राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है और उस भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। कौन बदल रहा है देश की जागीर और कौन लिख रहा है देश की तकदीर, पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात और दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। हर रात 8 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ हिंदुस्तान 24/7 आवाज। आजमगढ़ कोलसा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत स्थित रत्नावे सरैया गांव में नापदान का पानी निकलने की व्यवस्था बड़ी ही दुर्व्यवस्था का सामना कर रही है। नालियों में पानी भरा हुआ है, वह जगह जगह पर नालियों को बांधा गया है जिससे पानी एकत्रित होकर बदबू फैला रहा है तथा भविष्य में तमाम प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। आइए सुनते हैं ग्रामवासियों और प्रधान ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। आजमगढ़ कोलसा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत है, मैं प्रधान हूँ ग्राम सभा सरैया का। तो प्रधान जी, जो है आपके गांव में नालियां बंद हैं और पोखरे में पानी नहीं जा पा रहा है, और लोगों ने यह भी बताया कि पोखरे को साफ कराने के लिए बोला गया था। हाँ, मैं साफ पानी उसको निकलवाया, बारिश हो गया, फिर पानी चल गया, फिर उसको नाली को बंद करवा दिया, फिर सुखवा कर फिर उसको गाड़ा खनवाऊँगा तब नाली साफ होगी। अब जिनको दिक्कत हो रही तब भी मैं नाली में वो पंपो सेट लगवा कर पानी निकलवा देता हूँ कि ताकि किसी घर में न जाए। है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि किसी का नुकसान हो जाए। तो इस समय तो पहाड़ी बाबा में भी हाँ लगे हैं क्या आपके गांव के? मेरे पहाड़ी बाबा में 10 सफाई कर्मी लगे हैं, 8 बजे से आकर 10 बजे तक काम करते हैं। तो क्या आपके गांव के भी सफाई कर्मी? हाँ, हमारे ही सफाई कर्मी की वजह से वो लोग 10 लोगों को लगाया गया ना, 2 ही लोग थे इसलिए काम नहीं कर पाते थे, तो एक न्या पंचायत के लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ी फील्ड है, ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है तो इसलिए 10 लोगों को लगाया गया। ठीक है। Thank you.